और बड़ी खबर आपको बता दें, संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी ने मामले की जांच और ज्यादा तेज कर दी है। देर रात एसआईटी की टीम जांच के लिए कोर्ट परिसर पहुंची थी। एसआईटी की 3 सदस्य टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। जानकारी मिल पा रही है कि देर रात एसआईटी की टीम कोर्ट परिसर में पहुंची थी और उस हथियार को बरामद कर लिया गया है, जिससे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया है भारत में, वो प्रतिबंधित है। हालांकि कुछ रसूखदार लोग जो पंजाब में रहते हैं, इस तरीके की जानकारी, दावे जो है वो सामने आए हैं कि उनके पास इस तरीके की पिस्तौल जरूर रहती है। लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला तब हुआ जब दोपहर के वक्त संजीव जीवा को कोर्ट में पेशी के लिए ले लाया गया और तभी घात लगाए हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। कोर्ट परिसर में अचानक गोलीबारी होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। फायरिंग से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच गोली लगने से बदमाश संजीव जीवा और एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायल हालत में जीवा को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। अभी तक पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। लेकिन इलाज के दौरान गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर जीवा ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे लखनऊ में हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर के बाहर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे देखते हुए पुलिस ने वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। लखनऊ पुलिस ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की हत्या करने वाले एक आरोपी को पकड़ने का दावा किया। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले विजय यादव के तौर पर बताई गई और आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन इससे पहले कि बदमाश विजय यादव फरार हो पाता, वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उसे दबोच लिया। उसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ पुलिस वाले उसे पकड़े दिखाई दिए। कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों का कहना है कि हमलावर वकील की ड्रेस पहनकर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। एक अपराधी अधिवक्ता की यूनिफॉर्म में कोर्ट परिसर के अंदर घुस के अपराधी को मार देता है। फिलहाल पुलिस ने विजय यादव को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी और उससे ये पता लगाने में जुटी है कि संजीव जीवा को किस तरह से मौत के घाट उतारा गया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का शूटर संजीव जीवा बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का दोषी था, जिसके लिए उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला जीवा 90 के दशक में दवाखाने में कंपाउंडर की नौकरी करता था, लेकिन बाद में उसने उसी दवाखाने के मालिक को अगवा कर लिया। इस घटना के बाद जीवा ने कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का अपहरण किया और फिरौती में 2 करोड़ रुपए मांगे। पुलिस के मुताबिक इस दौरान वो कई गैंग में रहा, लेकिन बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में नाम सामने आने के बाद जीवा अपराध की बुलंदियों पर पहुंच गया और उसे इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में वो मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हो गया। इसी दौरान वो मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जीवा पर 22 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिनमें 17 में वो बरी हो चुका था। ये नहीं, जीवा ने गैंग भी बना रखा था, जिसे वो जेल से ऑपरेट करता था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि लखनऊ की जिला अदालत में मारा गया गैंगस्टर संजीव जीवा मुख्तार अंसारी के लिए हथियारों का इंतजाम भी किया करता था। पुलिस के मुताबिक उसके पास हथियार जुटाने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जिसके जरिए वो मुख्तार अंसारी के लिए नए और आधुनिक हथियारों का इंतजाम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को आधुनिक हथियारों का शौक था और उसके इस शौक को पूरा करने में उसकी मदद संजीव जीवा करता था। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो इसके लिए बहुत बड़ा गिरोह चलाता था, जिसमें करीब 35 से ज्यादा बदमाश शामिल थे, जिनके जरिए वो मुख्तार समेत कई लोगों को हथियारों की सप्लाई किया करता था। माना जाता है कि इसी वजह से वो मुख्तार के करीबी लोगों में एक बन गया। लखनऊ